तो साथियों, मैं आ गया हूं जीएस वर्ल्ड की एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज लेकर, जो आपके आने वाला एग्जाम यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब टेस्ट सीरीज है। साथियों, आज की ये जो हमारी टेस्ट सीरीज है, यह जीएस वर्ल्ड की 15वीं टेस्ट सीरीज है। और जो इस टेस्ट सीरीज की जो सबसे खास बात है साथियों, ये है एंशियंट, मेडिवल और आर्ट एंड कल्चर से संबंधित, यानी इसमें 150 प्रश्नों का संकलन है। और इस 150 प्रश्नों में साथियों, आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और कला और संस्कृति से संबंधित आपको प्रश्न मिलेंगे। आप सोच कर देखिए साथियों, जब 150 ऐसे प्रश्नों को आप जीएस वर्ल्ड जैसी बेहतरीन और बहुत ही विश्वसनीय, भरोसेमंद जैसी संस्था का कंटेंट, आप जब 150 प्रश्नों का जो ये टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे, तो आपको आप उस हर एक टॉपिक से कनेक्ट हो जाएंगे जो यूपीपीसीएस से, जहां से प्रश्न बनते हैं। आपको ये बात, इस बात का आइडिया लग जाएगा कि हिस्ट्री में, आर्ट एंड कल्चर में, आपके यूपीपीसीएस में कहां से प्रश्न बनते हैं, किस लेवल के बनते हैं, और हमें पढ़ना क्या है, हमें छोड़ना क्या है, इस बात को आपको आइडिया लग जाएगा। तो साथियों, बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज होगी। और यह हमारा ऑफिशियल चैनल है, जीएस वर्ल्ड का ये चैनल नहीं है। तो मैं आपसे थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं साथियों, आप हमारी थोड़ा सा सपोर्ट करिए, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट का हमारा मेहनत निरर्थक हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर निरसता आ जाती है। साथियों, आप ही के जैसा, आप ही के समकालीन आपका एक भाई आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता है कि हमारे वे भाई जो ऐसी बेहतरीन कंटेंट से दूर हैं, नहीं ऐसी कंटेंट का लाभ उठा पा रहे हैं, उनको फ्री में ऐसी सुविधा मिले कि वो भी जो अपडेट चीजों से कनेक्ट हो पाए। तो साथियों, आपका कर्तव्य बनता है कि हमारा सपोर्ट करें। तो चलिए, हम लोग आज का बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज होगी साथियों, एक एक प्रश्नों को हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। और आप लोग अगर यूपी आरओ एआरओ की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम छोटी से बड़ी चीजों को जोड़ते चलते हैं, कहीं भी कसर कोई नहीं छोड़ते हैं। थोड़ा समय लेते हैं साथियों, लेकिन आपको निराश नहीं होने देंगे। चले, हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं क्या है साथियों। बहुत अच्छा, देखें पहला प्रश्न हमारा दिया है अशोक से संबंधित। क्या कह रहा है साथियों, पहले प्रश्न में कह रहा है सम्राट अशोक के संदर्भ में कुछ आपको कथन दिया है। किसके संदर्भ में? सम्राट अशोक के संदर्भ में आपको कुछ कथन दे दिए गए हैं। उन्हीं कथनों को पढ़कर आप सही उत्तर देना, तो आपको ध्यान रहे, इस बात को आप जरूर ध्यान दिया करिए, यहां मार्किंग भी किया करिए, आपको सही उत्तर पूछ रहा है कि गलत वाला उत्तर पूछ रहा है। तो आपसे अशोक के संदर्भ में दो कथन दिया है, इन दोनों कथनों को पढ़कर सही उत्तर देना है। आप जब यहां पहला कथन पढ़ेंगे मेरे भाई, तो पहला कथन में कह रहा है कि उसने साम्राज्य के नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दिया। यस मेरे भाई, जो उसने धम्म नीति लाया, उसमें नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दिया था, तो ये बात बिल्कुल सही है। कह रहा है कि अशोक का धम्म मूल रूप से शांति, अहिंसा और धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांतों पर आधारित था। यस मेरे भाई, क्योंकि अशोक के जो मुख्य 14 शिलालेख थे, उनमें से जो 12वां शिलालेख था, उसमें सर्वधर्म संभाव की अशोक ने बात किया था, यानी धार्मिक सहिष्णुता की बात किया था, तो ये भी बात सही है। तो यहां पर आपका जो उत्तर होगा ये सी हो जाएगा साथियों। बहुत अच्छा, आगे हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न में क्या है। देखें दूसरा प्रश्न कितना बेहतरीन प्रश्न है आपके लिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, इस बात को पहले मार्किंग करिए, सही नहीं है कि सही है, तो आपको सही पूछ रहा है। तो इन तीनों कथनों को आप पहले अच्छे से पढ़ेंगे, इन तीनों कथनों को पढ़कर जो सही होगा तो उसे जो है सही उत्तर दे देंगे। तो पहला पढ़ेंगे आप लोग क्या कह रहा है, सामवेद को भारतीय संगीत का सबसे पुराना ग्रंथों में से एक माना जाता है। यह साथियों बिल्कुल सही, सामवेद जो है यह संगीत से संबंधित है, और सामवेद के जो मंत्रों को गाते हैं उनको जो है उद्गाता बोला जाता है, ये चीज आप बड़े अच्छे से जानते होंगे। तो और दूसरा क्या कह रहा है, सामवेद के उपवेद को गंधर्व वेद कहा जाता है। यह साथियों बिल्कुल सही, ये भी सही है। और तीसरा में क्या करा है, अथर्ववेद के मंत्रों को पाठ करने वाले को, पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता है। यस, तो ये बात जो है तीनों के तीनों यहां पर सही है, और हम लोग अब हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी हो जाएगा कि डी सही है, ये विकल्प नंबर डी, यानी 1 2 3 तीनों सही है। बहुत अच्छा, आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या है साथियों, क्या है तीसरे में क्या करा है, कौन सा कथन सही है। थोड़ा सा हर एक प्रश्न में मैं आपको अवगत कराते चल रहा हूं कि इस चीज को आप मार्किंग अवश्य किया करें। तो
तो कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथनों को पढ़ लीजिए और सही उत्तर दे दीजिए। पहला आप पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। चोल साम्राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख मेगास्थनीज ने किया था। तो साथियों ये बात गलत है, ये चोल साम्राज्य का मेगास्थनीज ने मतलब उल्लेख नहीं किया था, वे पांड्य साम्राज्य का उल्लेख किए थे, पांड्य साम्राज्य का उल्लेख किए थे। तो ये आपका गलत हो गया पहला वाला। अब दूसरा हम पढ़ते हैं, संगम युग की अर्थव्यवस्था में चावल सबसे आम फसल थी, यानी सबसे प्रचलित फसल ये संगम युग में ये चावल ही था। अगर आप संगम युग का वो पढ़े होंगे तो आपको याद आता होगा। तो ये दूसरा सही है, पहला गलत है, यानी उत्तर यहाँ पर केवल बी हो जाएगा, क्योंकि सही पूछा है तो सही केवल दो है। बहुत अच्छा, आगे हम लोग बढ़ते हैं साथियों। दोस्तों आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप हमारी मेहनत का आपको जरा सा भी एहसास हो कि आप ही के समकालीन एक भाई इस लेवल पे मेहनत कर रहा है, तो आपका कर्तव्य बनता है वीडियो को शेयर करें और लोगों को बताएं, नए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं चौथे वाले में। इसमें भी कह रहा है साथियों कौन सा सही नहीं है। देखिए यहाँ पकड़ में आ गया ना, यही छोटी छोटी गलतियां हमें कई सारा प्रश्न गलत करवा देती हैं। तो कौन सा कथन सही नहीं है, इस वाले को हमें पकड़ना है जो गलत होगा। तो साथियों जो गलत होगा उसी को हमें पकड़ना है। कैसे पकड़ना है देखें, पहला आप पढ़ेंगे तो कह रहा है ऋग्वेद काल में कोई नियमित भूमि कर नहीं था। तो यस साथियों ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे गलत पूछा है ना, तो जो गलत होगा हम उसको बताएंगे। तो ऋग्वेद काल में कोई नियमित ये भूमि कर नहीं थी, ये बात सही है। यहाँ पर उपहार वगैरह के मतलब जो दान वगैरह पे ज्यादा काम चलते थे राजा का। और ये बी वाला क्या है, मनुस्मृति को सबसे प्राचीन और सबसे प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है, यस ये भी बात सही है। और सी वाला क्या कह रहा है, मौर्य काल में मेगास्थनीज शहर के अधिकारियों को एस्टिनोमोई कहकर बुलाता था, ये भी बात सही है। जब ये तीनों सही हैं तो स्वाभाविक सी बात है ये चौथा ही गलत होगा, तो चौथा ही हमारा उत्तर होगा। क्यों गलत है साथियों, क्योंकि ये भारत में तांबे के सिक्के जारी करने वाले पहले शासक इंडो ग्रीक थे। तो ये बात साथियों ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंडो ग्रीक भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे, ये तांबे के सिक्के नहीं। ये जो इंडो ग्रीक थे ये सोने के सिक्के यानी गोल्ड के सिक्के जो है, गोल्ड क्वाइन जो है ये जारी किए थे। तो तांबे की जगह यहाँ सोना होना चाहिए था। तो हमारा ये डी वाला गलत है, क्यों गलत था मैंने बता दिया, तो यही आपका उत्तर होगा। आगे हम लोग चले साथियों पांचवे में। तो देखें हमारा पांचवा, हम कितना लाजवाब प्रश्न दिया है मैचिंग वाले, और खास करके जो यूपीपीसीएस होता है, आरओ एआरओ होता है, ऐसे ही मैचिंग वाले सवाल पूछे जाते हैं। एक तरफ आपको ग्रंथ दे दिया है यहाँ, और दूसरी तरफ उसके लेखक का नाम दे दिया है, और कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है, कौन सा मिसमैच है, आप उसी को पकड़ लीजिए। तो कैसे पकड़ेंगे, आपको आना चाहिए पहले। देखिए ये जो कुमार संभावनम ये जो लिखा गया है, ये कालिदास के द्वारा लिखा गया है साथियों, ये आप लोगों को जानते हैं। और रावण वध यही साथियों गलत है, रावण वध ये भारवी ने नहीं लिखा है, यह भट्टी ने लिखा है। यह किसने लिखा है साथियों, यह भट्टी ने, तो ये भट्टी ने लिखा है, ये आधा ट है, तो भट्टी ने लिखा है और यही गलत हो गया, यही हमारा उत्तर होगा। जबकि आपको मालूम है दश कुमार चरित ये दंडिन ने लिखा है, और नैषधीय चरितम ये श्रीहर्ष ने लिखा है। तो साथियों अब यहाँ जो भारवी दे दिया था आपको, ये भारवी, भारवी ने क्या लिखा है, एक किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनीयम नाम का एक ग्रंथ है, उसको भारवी ने लिखा है। जबकि रावण वध किसने लिखा है, भट्टी ने। तो यही बी वाला गलत था, हमने आपको बता दिया, बाकी तीनों सही हैं, आप याद कर लीजिएगा। आगे देखें हम लोग, देखें साथियों छठवें में आपसे क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, आपको मालूम है चंद्रगुप्त, आपसे कभी ऐसा पूछ ले विक्रमादित्य किसका जो है टाइटल था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का था, प्रथम का नहीं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है, क्योंकि उसने शकों को हराकर अपना टाइटल जो है विक्रमादित्य रखा था। तो यहां मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दिया, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में के नवरत्नों के संदर्भ में, क्योंकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य तो कल्चर को बढ़ावा देने के लिए एक दरबार लगाता था नवरत्नों का, तो उसमें नवरत्नों का कुछ नाम दिया है, और दिया है कि वो नवरत्न किस क्षेत्र में अपना काम करते थे। एक तरफ नवरत्नों का नाम है और दूसरी तरफ उनका पेशा है। तो वही कौन सा सही नहीं है उसी को आपको पकड़ लेना है। तो
तो साथियों, ये बेताल भट्ट ये मंत्र शास्त्र से संबंधित थे नवरत्नों में से, और शंकु शिल्पा शास्त्र शिल्प शास्त्र से संबंधित थे, और अमर सिंह कोशा यानी फंड से संबंधित थे, कोषाकार। ये तीनों सही हैं। और मैं बताया ना, ये प्रश्न जो होते हैं आपको बड़े आसान होते हैं, क्योंकि गलती वही किया आपसे पूछा है ना, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपको वही गलती करेगा जो आप जानते रहते हैं। अब सोचे, आपको ये नहीं मालूम होगा लेकिन आपको ये जरूर मालूम होगा, क्योंकि वारा मिहिर बहुत ही महत्वपूर्ण नवरत्नों में से थे। तो वारा मिहिर जो है ये खगोल शास्त्री थे, कवि नहीं थे, तो एस्ट्रोलॉजर यानी खगोल शास्त्री से संबंधित थे। तो क्योंकि मैंने बताया ना कि जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं उसी में गड़बड़ी करता है जिसे आप पकड़ सकें, तो यही वाला ए वाला ही गलत था। मैंने बता दिया कवि की जगह खगोल शास्त्री होना चाहिए था, तो यही गलत था, तो विकल्प नंबर ए हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे चले हम लोग, देखें सातवां में क्या है। सातवां में साथियों राजवंश एक तरफ दिया है, एक तरफ यहाँ आपको राजवंश दे दिया है और दूसरी तरफ उसके संस्थापक का नाम है। तो कह रहा है कौन सा सही है, यानी सही को पकड़ना है हमें। तीन गलत हैं, एक सही है, उसी को पकड़ना है साथियों। बहुत अच्छा, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको, नहीं तो ये आपका गड़बड़ हो जाएगा। देखें, तुलुब राजवंश के संस्थापक वीर नरसिंह थे। तो यहाँ पर वीर नरसिंह, ये तुलुब राजवंश के संस्थापक ये वीर नरसिंह, ये हो गया साथियों। अब एक आपको और मालूम है, संगम राजवंश के संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। तो संगम राजवंश के संस्थापक हरिहर और बुक्का थे, तो ये वाला तो सीधा यही हो जाएगा, यही वाला सही है, तो विकल्प नंबर हमारा सी तो उत्तर होगा, क्योंकि यही सही है, हमसे सही पूछा है। अब गलत वाले को हमें पकड़ना है। तो अराविडू यहाँ जो एक दिया है, राजवंश के संस्थापक तिरुमल थे। तो अराविडू राजवंश के संस्थापक ये तिरुमल थे, और मैंने तो बताया, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ कौन सा सही है तो गलत हो जाएगा। और ये जो यहाँ पर सालुब राजवंश के संस्थापक साथियों, ये नरसिंह था, तो ये केवल नरसिंह, ये सालुब, और ये तुलुब राजवंश वीर नरसिंह, और ये मतलब जो सही था मैं बता दिया, ये तो आपको गड़बड़ दिया था, तो आप समझ जाए गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। तो सही केवल सी है, और जो गलत था मैंने एरो से बना दिया, हाँ ये होना चाहिए। आगे चले हम लोग आठवें में, आठवां में देखते हैं साथियों हम लोग क्या कह रहे हैं आठवां में। ये आठवां में आपसे पूछ रहे हैं जैन धर्म के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो आपको जैन धर्म के संदर्भ में आपको दो कथन दे दिए हैं और कह रहे हैं बताइए कौन सा सही है। तो आपको इन्हीं दोनों कथनों को पढ़ लीजिए अच्छे से, और पढ़कर जो है सही उत्तर दे देना है, यहाँ आपको सही उत्तर। तो तीन चीजों पर जरूर ध्यान दीजिए, ऊपर आपको रेफरेंस में क्या कहा है और नीचे कंक्लूजन में आपको क्या कह रहे हैं, तो इस चीज को आप ध्यान दिया करिए, नहीं तो मार्किंग कर लिया करिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं क्या कह रहा है। सारनाथ जैन समुदाय के लिए पूजनीय स्थल है। साथियों अब तक तो आप पढ़े हैं सारनाथ बौद्ध धर्म के लिए, बौद्ध समुदाय के लिए बहुत एक पूजनीय स्थल है, और उसके साथ साथ आप ये भी जान लीजिए सारनाथ जैन समुदाय के लिए भी बहुत ही पूजनीय स्थल है, और जहाँ ये जैन ग्रंथों में इस जो सारनाथ है इसे सिंहपुर कहा गया है, तो ये दोनों के लिए है, आप याद रखिएगा। तो विकल्प ये जो कथन एक है ये आपका सही है, और दूसरा आप पढ़ेंगे जब जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर का जन्म सारनाथ में ही हुआ था। यस साथियों, ये बात बिल्कुल सही है, जैन धर्म के जो 11वें जो जो तीर्थंकर थे जिनका नाम था श्रेयांश नाथ, क्या नाम था उनका, ये श्रेयांश, आप लोग बहुत इस समय नाम देखे होंगे श्रेयांश नाथ, तो ये जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर थे, इनका जन्म यही हुआ था सारनाथ में ही, तो जैन ग्रंथ में सारनाथ को सिंहपुर कहा गया है। तो ये दोनों कथन सही है मेरे भाई, तो विकल्प नंबर हमारा सी हो जाएगा, आठवां का सी हो गया। बहुत अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग नौवां में देखते हैं क्या है। तो देखें साथियों नौवां में हमसे एक मैचिंग वाला सवाल पूछे, बहुत बढ़िया, यूपीपीसीएस आरओ आरओ में मैचिंग वाले सवाल साथियों बहुत दबा के पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, देखें बहुत अच्छा, एक तरफ आपको दर्शन दे दिया है और दूसरी तरफ उस दर्शन के प्रणेता का नाम है, और कह रहा है कि सही उत्तर बताकर विकल्प में जो है बताना है हमें। तो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूँ जिससे आपको देखने में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, अब तो आप पता चल ही गया होगा हाँ ये केवल मैचिंग वाले हैं, एक तरफ दर्शन है और दूसरी तरफ उसके प्रणेता हैं।
तो आप बताना है फटाफट, आप मिला दीजिए। न्याय, ये इसका प्रणेता गौतम है और सांख्य इसके प्रणेता कपिल है। अब मान लो ऐसे हमें दो ही आ रहा है और बाकी सब नहीं आ रहा है, तो ए वाला दो पर जाएगा, बी वाला एक पर। तो ए वाला दो पर, बी वाला एक पर, तो ऐसा केवल सी में हमें दिखाई दे रहा है। तो हमें दो ही जानकारी से हम पता कर लिए हमारा उत्तर क्या होगा, क्योंकि नॉलेज डिपेंड नहीं करता है बहुत ज्यादा, थोड़ा सा दिमाग लगाकर उत्तर निकालने की बात आती है, क्योंकि सिलेक्शन केवल जो ज्यादा उत्तर सही करेगा उसी का होगा। तो देखो हमने आपको बताने के लिए किया कि आपको एक या दो ही आते रहते हैं, तब भी आप लड़ाई लड़ा करिए, फिर भी आपको उत्तर ज्यादातर चांस होते हैं आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया। और वैशेषिक का ये कहाँ चला जाएगा, ये कणाद पे, और मीमांसा ये जैमिनी पर। तो सी आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत अच्छा, मैंने मिला दिया। आगे देखते हैं अब आपको। तो दसवें में आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गुप्त काल की संबंधित नहीं है। तो आपकी उस विशेषता का नाम बताना है जो गुप्त काल से संबंधित नहीं है। तो यहाँ नहीं पर जरूर ध्यान दिया करिए, जो गुप्त काल से संबंधित नहीं है। तो साथियों कौन सी ऐसी है जो गुप्त काल से संबंधित नहीं है, तो यही बताना है आपको। तो देखें हमें पढ़ना पड़ेगा पहले। पहला क्या कह रहा है, भूमि संबंधित करों की संख्या में वृद्धि, यानी गुप्त काल में ये भूमि से संबंधित टैक्स को बढ़ा दिया गया था, तो ये है गुप्त काल में बढ़ाया गया था, ये तो सही है। तो बी वाले में क्या कह रहा है, दीवानी और फौजदारी कानून भली भांति परिभाषित एवं पृथकृत थे। तो गुप्त काल में साथियों ये जो कानून थे दीवानी और फौजदारी के, ये बहुत अच्छे से यहाँ पर रेगुलेट किया जाता था, तो ये भी सही है। और सी क्या कह रहा है, अधिकारी वर्ग की संख्या में वृद्धि, तो साथियों यही गलत है आपका, क्योंकि मौर्य काल के बाद, उसके बाद जब ये आए गुप्त काल, तो गुप्त काल में अधिकारियों की संख्या में तेजी से गिरावट आ गई थी मौर्यों काल की तुलना में। तो ये अधिकारियों की वर्ग में वृद्धि नहीं बल्कि ये ह्रास हुआ था। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा कौन सा गुप्त काल से संबंधित नहीं है, तो यही नहीं है। और बाकी तीनों सही हैं, इनको देख लीजिएगा, नगर प्रशासन में व्यावसायिक संगठनों की साझेदारी, ये सब सही है। तो यही गलत है, फिर मैंने बताया ना कि यही आपको गड़बड़ी किया, क्योंकि ये आप अच्छे से जानते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं साथियों, बहुत ही लाजवाब प्रश्न। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्मिलित नहीं है। तो जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्मिलित कौन सा नहीं है, तो त्रिरत्न में आप जानते हैं जैन धर्म का जो त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो ये चीजें आपको याद है ना, कि दर्शन डी, ज्ञान जी, आचरण ए, यानी DGA। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, यही जैन धर्म का त्रिरत्न है। तो यानी ये सम्यक संकल्प नहीं है त्रिरत्न, तो विकल्प नंबर ए यही आपका उत्तर हो जाएगा। आगे चले हम लोग 12 में, देखते हैं क्या है साथियों 12 में आपसे क्या पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म के संदर्भ में कथनों में से कौन सा सही है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ चार विकल्प दिए गए हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित, और कथनों में से कौन सा सही है, यानी तीन गलत हैं एक सही है, उसी सही को आप पकड़ लीजिए। तो साथियों कौन सा आप पकड़ेंगे, तो पहला आप जब पढ़ेंगे तो आप क्या देखते हैं, विनय पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है। तो साथियों ये बात गलत है, विनय पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का नहीं, ये संघ का नियम है। वो जो बुद्ध का संघ था उसमें क्या नियम होते थे, और उस नियम दिया गया है, बुद्ध की शिक्षाओं का नहीं है। तो ये वाला आपका गलत हो गया, तो ये संघ का नियम यहां मैं लिख दे रहा हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। संघ नियम यानी विनय पिटक में संघ का नियम बताया गया है। और बी वाले में क्या कह रहे हैं, अभिधम्म पिटक में दार्शनिक विषयों को शामिल किया गया था। यस साथियों, जो दार्शनिक विषय थे अभिधम्म पिटक में, वही शामिल किया गया था, यानी दार्शनिक विषयों से संबंधित है अभिधम्म पिटक। तो ये वाला आपका सही है, बी वाला। और बाकी हमें जब पता चल गया यही वाला सही है, सही आपसे पूछा था, तो हम उत्तर हमें पता लग गया। लेकिन ये अब हम देखें और गड़बड़ क्यों है, गड़बड़ है तो क्यों है। तो सुत्त पिटक में बौद्ध बौद्ध भिक्षुओं और श्रावकों के नियम बताए गए हैं। तो यही बात मैंने बताया ना, ये चीज जो है ऊपर वाले में था विनय पिटक में, यानी सुत्त पिटक वाला इसमें दे दिया विनय पिटक वाले में, और विनय पिटक का कंटेंट सुत्त पिटक वाले में दे दिया, यानी बौद्ध भिक्षुओं और श्रावकों, यानी जो संघ के नियम है वो विनय पिटक में रहना चाहिए था, और बुद्ध की शिक्षाओं का जो वर्णन है वो सुत्त पिटक में रहना चाहिए था। तो ये दोनों गलत हो गए।
और इसका तो कोई मतलब नहीं, तो बी वाला केवल आपका उत्तर है, यही सही है। आगे बढ़े हम लोग 13 में। 13 में देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से किसने मौर्य काल में सीरिया के शासक अंतियोकस के राजदूत के रूप में भारत आया, भारत की यात्रा की, तो यानी उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसने मौर्य काल में सीरिया के शासक अंतियोकस के राजदूत के रूप में भारत की यात्रा की थी। तो साथियों यह डाइमेकस था, विकल्प नंबर जो डी था, वो सीरिया के शासक अंतियोकस जो थे वो उसके राजदूत के रूप में भारत की यात्रा किया था, तो विकल्प नंबर डी हमारा हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, क्या कह रहे हैं इसमें, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने मौर्य, ये तो हो गया हमारा, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि किस शासक ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। तो वातापी कोंड की उपाधि धारण करने वाले शासक का नाम आपको बताना है। तो साथियों आपको मालूम होगा जो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य की राजधानी वातापी पर जो कब्जा कर लिया था, तो वहीं से ये वातापी कोंड अपना टाइटल रख लिया था। तो क्या होगा, नरसिंह वर्मन प्रथम, तो पल्लव राजवंश से संबंधित थे, तो ये विकल्प नंबर डी आपका हो जाएगा, ये डी वाला। आगे देखें हम लोग 15 में, तो देखें 15 में आपसे क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक अपनी व्यापक सैन्य विजय के लिए जाना जाता था। तो साथियों बहुत ही प्रचलित सवाल है और बहुत ही फैक्ट टाइप का है, कई जगह पूछा गया है। तो ये साथियों समुद्रगुप्त, विकल्प नंबर बी समुद्रगुप्त जो है, इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि नेपोलियन की तरह ये अपना जो है ये मतलब ये सैन्य विजय जो क्षेत्रों में विजय प्राप्त करता था, वो बहुत ही रणनीतिक और कूटनीतिक तरीके से, इसमें वो नेपोलियन की झलक लोग देखते थे, तो विकल्प नंबर बी, इसीलिए समुद्रगुप्त को ये भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बहुत अच्छा, आगे देखते हैं हम लोग, देखें साथियों आगे हमें क्या साथियों तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा जा रहा है साथियों, निम्नलिखित में से उपकरण और नवाचार आमतौर पर मध्य पाषाण काल से जुड़े हैं, यानी चार विकल्पों में कुछ उपकरण दिए गए हैं, तो आपसे पूछ रहे हैं कौन सा उपकरण मध्य पाषाण काल से जुड़े हुए हैं। तो साथियों आपको मालूम होगा जो जानवरों को पाला ओला गया, वो तो जानवरों का पालना, फिर जो कृषि किया गया, ये सब नवपाषाण काल में हुआ था, तो ये सब नहीं होंगे, यही जो है सूक्ष्म पाषाण और ये मछली पकड़ने के उपकरण, यानी जो पत्थर के छोटे छोटे उपकरण थे वो, और मछली पकड़ने का इस समय प्रचलन था मध्य पाषाण काल में, तो ये भी था, तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा हमारा, यही मध्य पाषाण काल से संबंधित है और बाकी सब नहीं है, तो विकल्प नंबर सी हमारा उत्तर हुआ। आगे देखते हैं 17 में, इसमें आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को अपने शासन काल के दौरान कला संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा देने का श्रेय दिया जाता है। तो साथियों आपको मालूम होगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य अपने दरबार में नवरत्नों का दरबार लगाता था, क्योंकि क्यों दरबार लगता था, वही कोई कवि है, कोई खगोल शास्त्री है, कोई कोषागार है, कोई गाने वाला है, तो एक तरह से ये कल्चर और आर्ट को बढ़ावा दिया, किसने दिया, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, विकल्प नंबर डी हो जाएगा हमारा। आगे देखें हम लोग 18, इसमें साथियों क्या कह रहे हैं, गुप्त साम्राज्य का अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन था। तो आपको मालूम है गुप्त साम्राज्य का अंतिम महत्वपूर्ण शासक स्कंदगुप्त था, तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा हमारा, इतना सुनते ही हम समझ गए, जो विदेशी आक्रमणों के खिलाफ साम्राज्य की रक्षा के प्रयासों के लिए जाना जाता है, तो इसका एक ट्रिक होता है, ऐसे जान लेंगे तो गुप्त साम्राज्य के जो शासक है उनको समझ जाएंगे, महत्वपूर्ण शासक SCKS। तो देखें एक SC से श्रीगुप्त जो गुप्त वंश के शासक थे, दूसरे सी से चंद्रगुप्त प्रथम, और ये जो तीसरा ये था एस जो है, ये जो तीसरे पर एस है ये समुद्रगुप्त हो गया,
समुद्रगुप्त के बाद ये चंद्रगुप्त द्वितीय आया, फिर ये कुमारगुप्त आ गया, फिर ये स्कंदगुप्त आ गया। तो ये याद रखेंगे, SC SC KS। तो आगे देखें हम लोग, अब 19 में देखते हैं क्या है। किस काल में मनुष्य शिकार और संग्रह से कृषि और अस्थाई समुदायों की ओर परिवर्तित हुआ? तो साथियों, नवपाषाण काल, अभी मैंने ऊपर चर्चा किया था, नवपाषाण काल में ये मनुष्य जो है वो पशुओं को पालना शुरू किया, कृषि करना शुरू किया, पहियों की खोज हुई, ऐसे बहुत सारे चीज जो है ये नवपाषाण काल में ये देखे गए साथियों। तो ये 19वां का हमारा जो उत्तर हो जाएगा, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। बहुत अच्छा, आगे देखते हैं हम लोग, 19 का सी हुआ हमारा उत्तर। 20 में हम लोग देखते हैं क्या है, देखते हैं क्या 20 में हमसे क्या पूछ रहे हैं। प्रारंभिक मानव समाज में पशुपालन की क्या भूमिका थी? तो साथियों, जो प्रारंभिक मानव समाज है, पशुपालन एक तो इसलिए पालता था कि हमें स्थिर भोजन मिलेगा, हमारा भोजन कभी खत्म नहीं होगा, आज हम मार के खा जाएंगे, खत्म हो जाएंगे कल परसों, तो हम क्या खाएंगे। तो एक स्थिर भोजन प्रदान करने के लिए एक कृषि की जाती थी, और दूसरा जो है वो उससे बहुत सारा काम भी लेने लगे थे, जैसे माल ढुलाई का काम हो गया और बाकी अन्य चीजों के लिए जो है ये करने लगे, तो उसके लिए भी हो गया। तो यहाँ कह रहा है, खाना बदोश शिकारी संग्रहण जीवन शैली को बढ़ावा देना, यानी शिकारी ये करने के लिए ये गलत हो गया, वो उससे काम उम लेने के लिए भी किए थे। तो एक केवल सही है, और हमारा ये केवल यहाँ पर ए सही होगा, बी गलत हो गया क्योंकि हमसे सही पूछा है, तो सही 20 का केवल ए हो जाएगा हमारा। तो शिकारी संग्रहण जीवन शैली को प्रोत्साहित नहीं किया, क्योंकि उसने जो है एक तरह का समुदाय विकसित किया और समाज को आगे, मतलब पशुपालन से उनका समाज आगे बढ़ा। तो 20 हमारा हो जाएगा। 21 देखें हम लोग, 21 में हमसे क्या पूछ रहे हैं। प्राचीन दक्षिण भारत में संगम युग की प्रमुख विशेषता थी? तो प्राचीन दक्षिण भारत में जो संगम युग था, संगम वंश के जो संगम वंश का समय था, संगम युग, उससे कुछ विशेषताएं दी गई है और उससे हमें सही उत्तर पता करना है। तो पहला अगर हम लोग पढ़ते हैं तो कह रहा है, फलता फूलता व्यापार और शहरीकरण ये संगम युग की विशेषता है। साथियों, आपको मालूम है संगम युग में व्यापार बहुत फला फूला और शहरीकरण भी हुआ, ये बात सही है हमारा। और शास्त्रीय तमिल साहित्य यानी तमिल साहित्यों की रचना बड़े स्तर पर हुई, तो ये भी सही है हमारा। तो विकल्प नंबर हमारा सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, यही हमारा उत्तर होगा। अब हम चलते हैं 22 में, देखते हैं क्या है। तो साथियों, 22 में आपसे पूछा जा रहा है, अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है? तो अशोक का सबसे लंबा स्तंभ साथियों 7वां स्तंभ है, ये विकल्प नंबर 14 जो मुख्य स्तंभ है उन्हीं में से बात कर रहा है। तो 7वां सबसे लंबा की बात कर रहा है, सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है, ये 7वां है साथियों। बहुत अच्छा, ये 7वां क्या है, जो धम्म नीति के लिए अशोक ने कार्य किया है, किसके लिए, 7वें में क्या है, धम्म नीति, धम्म नीति से संबंधित जो कार्य किया है वही इसमें है। तो आगे बढ़े हम लोग, 23 में देखते हैं क्या है। कुछ प्रश्नों को बड़ा देखकर भागा मत करिए, वो बड़ा केवल लिखा ज्यादा होता है, उसमें कोई दम नहीं होता है। तो क्या है, वेदांत के 6 शाखाओं के बारे में कथनों पर विचार कीजिए, तो विचार करके हमें सही उत्तर बताना है। तो अद्वैत शाखा के अनुसार व्यक्तिगत स्व यानी आत्मान, यानी व्यक्तिगत आत्मान और ब्रह्म दोनों एक ही हैं, और इसके अंतर को जानने को मुक्ति मिलती है। तो ये बात सही है, 6 वेदांत के 6 शाखाओं के बारे में। और दूसरा कह रहा है, द्वैता द्वैत शाखा के अनुसार ब्रह्म सर्वोच्च वास्तविकता है, यह सभी का नियंत्रक है। यस, दोनों सही हैं। तो विकल्प नंबर हमारा सी हो जाएगा, 23 का सी हो जाएगा उत्तर। आगे चले हम लोग, 24 में देखते हैं इसमें क्या है। देखें 24 वाले में हमसे पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर के अलावा जैनियों का तीसरा संप्रदाय था? तो साथियों, श्वेतांबर आप लोग जानते हैं, ये जैनियों में जो, मतलब पहले ये हुआ कि सफेद कपड़े पहनने पर पार्श्वनाथ ने, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, वो कह रहे थे कि ये हल्के कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन महावीर जो 24वें तीर्थंकर आए, वे कपड़े पहनने पर मना किए, यानी जैन धर्म को कठोरता से पालन करने के लिए कहे। तो इसीलिए जैन धर्म में विभाजन होगा, श्वेतांबर दिगंबर यानी सफेद कपड़े पहनने वाले श्वेतांबर,
और नग्न रहने वाले दिगंबर। तो ये विभाजन हो गया। इसके अलावा कर्नाटक में एक और संप्रदाय विकसित हुआ साथियों, यापनीय संप्रदाय, विकल्प नंबर ए हो जाएगा हमारा, ये हो गया। और महायान तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित ये तो होगा नहीं, तो विकल्प नंबर ए हो गया, जैसे बौद्ध धर्म में हीनयान महायान हुआ उसी तरह से। तो ए वाला हमारा यही उत्तर हो गया, तीसरा संप्रदाय यापनीय संप्रदाय। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम लोग, इसमें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं बिंबिसार के लिए, बिंबिसार, बिंबिसार के लिए, बिंबिसार आप लोग जानते हैं ये हर्यक वंश का ये शासक है। तो हर्यक वंश के शासकों को एक ट्रिक होता है याद करने के लिए, जो मुख्य शासक है बाऊ, बाऊ आप लोग जानते हैं गांव में ना बाऊ। तो बिंबिसार के लिए कौन सा वैकल्पिक नाम प्रयोग किया जाता था, तो ये श्रेणिका, श्रेणिका विकल्प नंबर ए, श्रेणिका प्रयोग किया जाता था इसके लिए। तो ये जो जैन साहित्य में, जैन साहित्य जो होता है, बिंबिसार को श्रेणिका कहा गया है, तो विकल्प नंबर यहीं से उसका मिलता है। और ये बिंबिसार हो गया, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु था, अजातशत्रु का बेटा उदायन था। तो ये अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी थी और ये उदायन ने फिर अपने पिता की हत्या कर दी, तो इसीलिए प्रीतिहंता वंश साम्राज्य, प्रीतिहंता वंश के लोग इन शासकों को कहा जाता था। तो विकल्प नंबर ए हमारा जो है यही सही है। तो यहाँ एक ट्रिक याद रखिएगा, बाऊ यानी अपने बाऊ की हत्या कर देते थे, और बी से ये क्या हो गया हमारा बिंबिसार, ए से अजातशत्रु, ऊ से उदायन। आगे देखते हैं 26 में क्या है हमारा, तेलुगु महाकाव्य, जो तेलुगु महाकाव्य है आमुक्त माल्यदा, उसके लेखक कौन है। तो तेलुगु महाकाव्य आमुक्त माल्यदा के लेखक कौन है साथियों, ये है कृष्ण देव राय, विकल्प नंबर बी हो जाएगा हमारा, कृष्ण देव राय है। तो यही हम लोग देखें, ये कृष्ण देव राय लिखे हैं तेलुगु महाकाव्य आमुक्त माल्यद। आगे देखते हैं हम लोग 27 में क्या है, देखें 27 में हमसे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन से पुस्तक प्राचीन भारत के विषय में वर्णन करती है। तो ऐसी कौन से पुस्तक है जो प्राचीन भारत के विषय में वर्णन करती है साथियों, बहुत अच्छा, पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी, ये भी एक पुस्तक है, और कौन लिखा है ये पता नहीं चला है अब तक। तो ये लिखे है पेरिप्लस ऑफ, मतलब ये बुक है पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी, जो प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी देती है हमें। और टॉलमी का भूगोल है, और प्लिनी का नेचुरल हिस्टोरी हिस्टोरिया है। तो ये तीनों के तीनों प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं हमें, तो विकल्प नंबर हमारा डी हो जाएगा, नीचे है यहाँ पर डी, तो यही हमारा उत्तर होगा। बहुत अच्छा, आगे चलते हम लोग, तो हमारा 27 हो गया। 28 को हम लोग देखते हैं कि 28 में क्या है, तो 28 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, वर्धमान महावीर के बारे में कुछ कथन दिया गया है, और कह रहा है कौन सा उनके संबंध में सही नहीं है उसे आप पकड़ लीजिए। तो आप लोग को मालूम है, मैंने अभी पहले चर्चा किया, ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, इनसे संबंधित एक और पूछा जाता है, यानी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के जो संस्थापक हैं उनको तो वो ऋषभनाथ हैं, आप लोग को मालूम होगा, लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक ये महावीर को ही माना जाता है। तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी दे दिया, तो ये क्या है, कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो ये तो बात सही है, और उनका जन्म ये कुंडल ग्राम में हुआ था, ये भी बात सही है, 540 ईसा पूर्व में वैशाली के पास एक गांव है, ये भी सही है। और सी वाला कह रहा है उसके पिता जो है, उनके पिता सिद्धार्थ लिच्छवी वंश के मुखिया थे। तो साथियों उनकी माता जो है लिच्छवी वंश से संबंधित थी, वे लिच्छवी वंश से संबंधित नहीं थे, ये वाला ये गड़बड़ हो गया, वो ज्ञात्रिक वंश से थे। क्या, ज्ञात्रिक, ज्ञात्रिक वंश से संबंधित थे, तो यही आप उनका गलत हो गया, यानी जो सी वाला है यही गलत है और यही उत्तर होगा, क्योंकि हमसे पूछा है कौन सा सही नहीं है, और ए वाला भी सही है, बी वाला सी सही है, और ये डी वाला भी सही है, यानी उनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में आधुनिक राजगीर के निकट पावापुरी में हुई थी। ये सब आप जानते हैं, ये सब सही है, गलत सी है, सी ही हमें बताना था। आगे देखें 29 में क्या है, 29 में साथियों क्या है, चार मुख वाला चतुर्भुज मंदिर किस जैन तीर्थंकर को समर्पित है। तो चार मुख वाला चतुर्भुज मंदिर किस जैन तीर्थंकर को समर्पित है, तो वो ऋषभनाथ, जो जैन धर्म के संस्थापक है, तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा 29 का हमारा,
ए हो गया, बहुत अच्छा। आगे चलते हम लोग देखते हैं क्या है तीसरा में, क्या है 33 में। तो हम लोग देखते हैं तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या है 30 में। कह रहा है कौटिल्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। कौटिल्य जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है, और ये कौटिल्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है इसको आपको पकड़ना है। तो ये वाला जब देखेंगे, वह तक्षशिला के शिक्षक और विद्वान थे, ये भी सही है साथियों, ये वाला सही है अपना, ये 30 में ये सही है ये। और बी वाला क्या कह रहा है, विष्णुगुप्त और चाणक्य इनके दो अन्य नाम थे, ये भी सही है, यानी विष्णुगुप्त और चाणक्य, ये इनका नाम यानी चाणक्य भी था और विष्णुगुप्त भी था कौटिल्य का, तो ये भी सही है। और सी वाले में क्या करा है, उन्हें अक्सर भारत का मैकियावेली के नाम से जाना जाता था, यानी उन्हें भारत के मैकियावेली के नाम से भी जाना जाता था, ये भी सही है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र गुप्त साम्राज्य के विदेशी मामलों, प्रशासन, सैन्य, कला, युद्ध के बारे में वर्णन करता है। साथियों सरासर गलत, इसीलिए मैं कहता हूं ना आपको वही गलती करेगा जहां आप जानते रहे। आपको मालूम है कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है ये मौर्य काल के प्रशासन पर लिखा गया है, गुप्त काल के प्रशासन पर नहीं, तो ये आपका गलत हो गया, यहाँ मौर्य रहना चाहिए था, मौर्य प्रशासन के बारे में था ये, तो यही गलत है, क्योंकि गलत पूछा तो गलत यही है, तो यानी ये सब सही है लेकिन प्रश्न के हिसाब से ये सब गलत हो गए और ये सही है क्योंकि यही गलत है। आगे देखें हम लोग 31 में, 31 में साथियों क्या कह रहा है, सिंपल सा प्रश्न है, कह रहा है प्रसिद्ध पुस्तक मृच्छकटिकम किसने लिखी है। तो साथियों मृच्छकटिकम विकल्प नंबर बी शूद्रक ने लिखी है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, मृच्छकटिकम किसने लिखी है शूद्रम में। इसमें मृच्छकटिकम का मतलब होता है साथियों मिट्टी की गाड़ी, जो व्हील होते हैं यानी मिट्टी की गाड़ी हो गया। और इसमें जो महत्वपूर्ण हिस्सा जो है मृच्छकटिकम में, एक बहुत अमीर व्यापारी होता है और एक वेश्या की बेटी होते हैं, इन्हीं दोनों के जो है प्रेम संबंध पर ये और मुख्य भूमिका लिखा गया है इसमें। आगे देखें हम लोग ये 32 में क्या है, आयुर्वेद का पुराना संहिताबद्ध दस्तावेज कौन सा है। आयुर्वेद का पुराना, सबसे पुराना संहिताबद्ध दस्तावेज कौन सा है। तो यहां पर लिखा है साथियों आपको जो मिलेगा ये चरक संहिता, विकल्प नंबर बी हो जाएगा, चरक संहिता आयुर्वेद का सबसे पुराना संहिता है। और ये किससे संबंधित है साथियों, यह आपको मतलब एक तरह से चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता किससे, कभी आपसे पूछ ले ये किससे संबंधित है तो आप बता देना ये चिकित्सा यानी मेडिकल से संबंधित है, ये विकल्प नंबर बी हो जाएगा। 33 में क्या है, आग के प्रथम प्रयोग का प्रमाण निम्नलिखित में से किस काल के दौरान मिला। तो साथियों ये बात मैं पहले में ही चर्चा किया गया था, आग कृषि की खोज, आग मतलब कृषि पशुपालन, आग की खोज पहिए, ये सब नवपाषाण काल से संबंधित हैं, विकल्प नंबर सी हो जाएगा 33 का। आगे बढ़ें 34 में देखते हैं क्या है। तो साथियों बहुत अच्छा, शतरंज के खेल की शुरुआत भारत में किस काल के दौरान हुई थी। तो शतरंज का जो खेल होता है साथियों आप लोग जानते होंगे इसके बारे में, शतरंज का खेल यह किस शासन काल, किसके शासन काल में हुआ था। तो साथियों यह गुप्त के शासन काल में हुआ था, विकल्प नंबर बी हो गया, यही हमारा उत्तर है। तो पहले इसे जब हुआ था तो ये शतरंज इसे चतुरंगा के नाम से जाना जाता था, चतुरंगा पुराना नाम अगर इसका पूछे तो बता देना। फिर बाद में ये जो है अष्टपद कहा जाने लगा, फिर जो है ये कहा जाने लगा ये शतरंज, तो गुप्त काल से संबंधित है। आगे देखें हम लोग 35 में, 35 में क्या है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यवन प्रिय का उल्लेख है। तो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यवन प्रिय का उल्लेख है जो दर्शाता है, तो यवन प्रिय साथियों काली मिर्च इसको दर्शाता है, विकल्प नंबर बी हो गया, जो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में है।
आगे देखें हम लोग 36 में, गुप्तकालीन साहित्यिक कृति यानी गुप्तकाल की जो साहित्यिक कृति है नीति सार, इसके लेखक के कौन है? तो नीति सार के लेखक कौन है साथियों? ये कामंदक, विकल्प नंबर सी हो जाएगा, नीति सार के लेखक कामंदक है। बहुत अच्छा, आगे देखते हैं हम लोग। और 37 में देख लें क्या है, तो 37 में आपसे पूछ रहे हैं निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सा जोड़ा बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थान के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है, यानी जोड़े दिए गए हैं बुद्ध से संबंधित स्थान है। तो एक यह जन्म, ज्ञान, पहला उपदेश, मृत्यु, और इधर उससे संबंधित स्थान है। तो एक गलत है, तीन सही है, एक गलत है, उसी गलत वाले को आप पकड़ना है आपको। तो देखिए, जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ था, ये लुम्बिनी का है, नेपाल के तराई क्षेत्र में है ये, नेपाल में, तो ये सही है, तो ये सही है, लेकिन हमें गलत को पकड़ना है। तो ज्ञान कहाँ इनको प्राप्ति हुई थी? बोध गया में प्राप्ति हुई थी, ग से ज्ञान और ग से गया, तो ये ट्रिक याद रखेंगे तो सही हो जाएगा। तो ज्ञान जी से आता है, ग से ना, तो वैसे ही बोध गया ग से आता है, तो ये भी सही है। पहला उपदेश सारनाथ दिए थे, कुछ लोगों को लगता है सारनाथ कहाँ है? सारनाथ वाराणसी में है, जो शहर से 10-12 किलोमीटर दूरी पर है। और मृत्यु इनको दिया है साथियों, मृत्यु लुम्बिनी में, यही गलत है। तो साथियों आपको मालूम होगा मृत्यु इनका कुशीनगर में हुआ था, उत्तर प्रदेश के, तो विकल्प नंबर ये डी हो जाएगा हमारा, कुशीनगर में हुआ था, ये लुम्बिनी में नहीं हुआ था, कुशीनगर। आगे देखते हैं, और इनको जो मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से मतलब जाना जाता है। देखें, एक तरफ प्राचीन स्थल का नाम है और दूसरी तरफ पुरातात्विक खोज है, यानी किस स्थल से किसका खोज हुआ है, इसको मिलाकर और हमें ये सेट में बता देना है। का ये जो प्राचीन स्थल लोथल है, यहाँ से ये गोदीखाना का साक्ष्य मिला है, गोदीखाना का खोज हुआ था, यानी गोदीखाना का मतलब एक तरह से बंदरगाह कह सकते हैं। और ये काली बंगन से ये जुता हुआ खेत मिला है, और ये हो जाएगा आपका, और ये सी वाले से कहाँ, यहाँ धोला बीरा से क्या मिला है साथियों? ये धोला बीरा से हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार वाले चिन्ह शिलालेख, और बचा ये बनावली से हल की एक टेराकोरी प्रकृति। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर हमारा सत्य हो रहा है, यही सेट बन रहा है सही। बहुत अच्छा, आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या है हमारा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत बेहतरीन। इसमें साथियों आपको चार कथन दिया है, इन चारों कथनों को पढ़कर फिर आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ देखिए आपसे कह रहा है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, तो चार इस विकल्प में, इस इन्हीं में से बताना है, उनको पहले पढ़ना है, पढ़ोगे तभी पता चलेगा। तो साथियों मैंने अभी पहले पहले अभी क्वेश्चन में अभी जस्ट इसके पहले बताया, ये लोथल से ये प्राचीन गोदीखाना का साक्ष्य मिला है, और ये सारनाथ से बुद्ध, सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, ये भी सही है। और नालंदा, यहाँ पर एक देख रहे हैं नालंदा, ये बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र था, ये भी जानते हैं, यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी थी। तो ये तीनों सही है, गलत साथियों ये वाला है, इसलिए मैंने अभी छोड़ा था इसको। ये अशोक का सिंह स्तंभ जो है राजगीर में नहीं, ये सारनाथ में है, सारनाथ जो वाराणसी में है वहां पर है ये अशोक का सिंह स्तंभ। तो ये वाला तीन वाला ये गलत हो गया, यही गलत है। तो जहां जहां तीन होगा वो आप काट दीजिए, वो उत्तर नहीं हो सकता। तो ये इसमें तीन बैठा है, इसमें तीन बैठा है, और क्योंकि सही उत्तर हमसे पूछ रहा है ना, तो जब तीन बैठा है तो सही कैसे हो सकता है? बाकी सब सही है, सी वाला हमारा उत्तर होगा, 1, 2, 4। बहुत अच्छा, सी वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 40 में, देखें 40 में हमसे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्ध धर्म के विस्तार में योगदान नहीं दिया? ऐसे शासक का नाम बताना है जिन्होंने बौद्ध धर्म के विस्तार में योगदान नहीं दिया था। तो हर्षवर्धन ने भी दिया था, कनिष्क ने भी दिया था, अशोक ने भी दिया था। आपको मालूम है ये पुष्प, जब आपको ये क्लियर है ये तीनों ने दिए थे, तो ये तीनों तो नहीं हो सकते। तो आंख मूंद कर आपको आता हो या नहीं आता हो, यही डी लगा देना, यही पुष्यमित्र शुंग था, जो शुंग वंश का संस्थापक था साथियों, शुंग वंश का शासक था, ये बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा विरोधी था, ये विकल्प नंबर डी हो जाएगा, ये बौद्ध धर्म को विस्तार कैसे कर सकता है बौद्ध धर्म का विरोधी। तो 40 का ये डी हो जाएगा आपका उत्तर, ये हो जाएगा। बहुत अच्छा, तो बहुत बहुत सारे बौद्धों का ये नरसंहार करवाया था,
आगे देखें 41 में, 41 में साथियों आपसे पूछ रहे हैं, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में कौन सा बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों में समानता था। यानी प्राचीन भारत के इतिहास का आप जब अध्ययन करेंगे तो आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता कौन है वही आपको बताना है सही उत्तर। तो आपको मालूम हो गए तपस्या भोग की अति से बचना, यानी तपस्या और भोग की अति से बचना ये समानता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में। वेदों के प्रति, वेदों के प्रमाण यानी वेदों के प्रति उदासीनता थी जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों की, ये भी बात सही है। कर्मकांड की कुशलता का खंडन, तो ये भी सही है। तो साथियों यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर तपस्या और भोग की अति से बचना, यानी जैन धर्म जिसे बताया था ना ये कपड़े वगैरह पे नहीं पहनने देते थे और बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं था, तो ये तपस्या और भोग से थोड़ा सा डिफरेंस था इनका, यही एक गलत हो जाएगा। क्योंकि तपस्या और भोग का जब आप मतलब अवलोकन करेंगे तो यहाँ बौद्ध धर्म और जैन धर्म में थोड़ी सी समानता आपको नहीं दिखेगी, तो यही गलत है। ये मैंने पहले गलती से बता दिया था, सही केवल ये है और ये है। तो 2-3 केवल आपको सही होगा, 41 का उत्तर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 42 का। 42 में क्या है, 42 में साथियों आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के बारे में सही है, यानी बौद्ध धर्म के बारे में जो सही है उसे बताना है। तो पहले आप पढ़ेंगे इसने जाति और वर्ग व्यवस्था को अस्वीकार नहीं किया था, तो साथियों ये बात सही है, बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था को स्वीकार किया था, अस्वीकार नहीं किया, यानी जाति व्यवस्था को मानते थे बौद्ध धर्म में, तो ये बात सही है। पहला वाला, इसने सर्वोच्च सामाजिक श्रेणी वाले ब्राह्मणों को चुनौती दी थी, यस, यानी जाति व्यवस्था को मानते भी थे और जो उच्च श्रेणी वाले ब्राह्मण समुदाय थे उनको चुनौती भी दिया था, यानी उनके बहुत सारे जो रीति रिवाजों पर प्रहार किया था, और इसमें कुछ जातियों को नीचा बताया गया है, यस, यही बात, ये भी बात सही है, जब जाति व्यवस्था थी तो जातियों को कुछ नीचा ही बताया गया होगा, तो ये तीनों के तीनों यहाँ पर सही है। तो 42 का हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो सी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, विकल्प नंबर सी, 1, 2, 3 तीनों सही है। आगे चले हम लोग देखते हैं 43 में क्या है, मनुष्य केवल कर्म करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, मनुष्य को केवल कर्म करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उसको फल की इच्छा कभी नहीं करना चाहिए, यह कुछ किस पुस्तक में कहा गया है। तो साथियों सीधी सी बात आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे गीता में, बहुत अच्छा। आगे देखते हैं 44, 44 में आपसे क्या कहा जा रहा है, ऋग्वेद काल का संबंध निम्नलिखित पर विचार, ऋग्वेद काल के संदर्भ में, ऋग्वेद काल के संदर्भ में आपको कुछ कथन दिए गए हैं, पढ़कर हमें सही उत्तर देना है। तो पहला, महिला दासों का प्रचलन था, ऋग्वेद काल में महिला दासों का प्रचलन था, सही बात है, और समाज में बाल विवाह का व्यापक रूप से भी प्रचलन था, ये भी बात सही है 44 वाले में। तो गलत साथियों यहाँ पर ये नहीं, साथियों ये बाल, ये जो ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह का प्रचलन नहीं दिखाई मिलता है, मतलब था कि नहीं था ये कहीं साक्ष्य नहीं है तो हम इसे यश नहीं कह सकते, ये गलत हो जाएगा। और भूमि एक सुस्थापित संपत्ति थी, तो साथियों भूमि एक सुस्थापित संपत्ति नहीं थी क्योंकि यहाँ पर चलवासी समुदाय जाता थे उस समय, मतलब एक जगह से दूसरी जगह में जाकर रहना, खाना, ये खाना बदोश का जीवन जीना, तो भूमि एक सुस्थापित संपत्ति कैसे हो सकती है, तो ये भी गलत हो जाएगा, केवल ए हमारा सही है यहाँ पर, ए वाला, और जबकि भी 2-3 गलत है। आगे चले हम लोग 45 देखते हैं, 45 में साथियों हमसे कह रहे हैं कि प्राचीन भारत के संदर्भ में भुक्ति, विषय और विधि, भुक्ति यहाँ पर तीनों को मैं मार्किंग कर दे रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, भुक्ति, विषय और विधि को संदर्भित करते हैं, तो ये संबंध संदर्भित क्या करते हैं साथियों, ये प्रशासनिक प्रभाग है, यानी भुक्ति, विषय, विधि मैं आपको भी बता रहा हूँ, ये प्रशासनिक प्रभाग है, इतना याद रखिएगा। और भुक्ति जैसे स्टेट हो गया, राज्य, ये राज्य हो गया एक तरह का, इसका ऐसे समझ लीजिए, और राज्य में कई सारे जो है जिले बनाए जाते हैं, और ये विषय जो है ये जिले से संबंधित हो गया, और एक जिले में बहुत सारी तहसीलें बनाई जाती हैं, तो ये विधि जो है ये तहसील से संबंधित हो गया, तो ऐसे समझ लीजिए तो आपको याद रहेगा, तो यही है, एक प्रशासनिक प्रभाग है। आगे देखें हम लोग 46 में क्या है साथियों, 46 में आपसे पूछ रहे हैं कि थोड़ा सा अपसेट हो गया, अब देखते हैं, गुप्त काल के दौरान कानूनी व्यवस्था के संदर्भ में
ठीक है, गुप्त काल के दौरान कानूनी व्यवस्था के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं और कथनों में से हमें सही उत्तर को चुनना है। तो पढ़े हम लोग, इस अवधि के दौरान नागरिक और आपराधिक कानूनों को स्पष्ट रूप से परिभाषित और सीमांकित किया गया था। तो ये चीज एक बार पहले आया था, मैंने बताया था गुप्त काल के दौरान ये जो कानून थे आपराधिक या फिर सिविल हो गए, उनमें बहुत अच्छे से जो है इसको रेगुलेट किया जाता था। तो ये बात जो है ये हमारा ये सही है पहला वाला। दूसरा में क्या कहे, कानून वर्ण भेद पर आधारित थे। यस साथियों, ये भी सही है। गुप्त काल में जो कानून होता था वो ऊंच नीच देखकर जो है लागू होता था, और ये भी बात सही है। और कारीगरों व्यापारियों के संघ अपने स्वयं के कानून द्वारा शासित होते थे, यानी जो कारीगर होते थे या बिजनेसमैन होते थे वे अपने बनाए हुए कानून पर चलते थे। तो ये तीनों सही है साथियों, विकल्प डी हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर ये डी है, 1 2 3 तीनों सही है, तो उत्तर हमारा डी हो जाएगा। आगे चले हम लोग, देखते हैं हमारा 47 वाले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। तो इसमें साथियों कह रहे हैं, बहुत अच्छा, इसमें पूछा जा रहा है ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में, यानी ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में आपको कुछ कथन दिया गया है। किसके काल के संदर्भ में? ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में। तो उन्हीं कथनों को पढ़कर आप सही उत्तर देना है, यहाँ पर सही लिखा है तो सही उत्तर आप दीजिएगा। तो कैसे देंगे सही उत्तर, पढ़ेंगे तब ना। तो पढ़िए, अब पढ़ेंगे पहले, राजा का पद सामान्यतः वंशानुगत होता था। तो राजा का पद साथियों वंशानुगत यानी वंश के आधार पर चलता था, तो ये बात सही है, वंशानुगत होता था। विदथ और गण की सभाएं राजनीतिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। साथियों यही गलत है, कितनी छोटी सी गलती दिया है, ये दो वाला गलत है। विदथ और गण ये सभाएं जरूर थी, लेकिन ये राजनीतिक सभाएं नहीं थी साथियों, यह प्रशासनिक सभाएं थी और ये सामाजिक तरह से, एक तरह से समाज के लिए थी। सैन्य धार्मिक काम करती थी, सामाजिक काम करती थी और धार्मिक से संबंधित काम करती थी, लेकिन राजनीति से संबंधित नहीं थी ये। तो ये गलत हो गया हमारा, यानी अब सही उत्तर हमसे पूछा है और दो वाला गलत भी हो गया। तो यानी दो जहां है आप उसे हटा सकते हो विकल्प में पहले से ही, यानी इसका उत्तर या तो 1 होगा या तो 1 और 3 होगा। ऋग्वेद में न्याय प्रशासन के लिए किसी अधिकारी का उल्लेख नहीं है। तो ऋग्वेद में न्याय के लिए किसी भी अधिकारी का उल्लेख नहीं किया गया है न्याय के लिए। तो यहाँ पर बी में हो जाएगा 1 और 3, यही हमारा सत्य है। आगे हम लोग बढ़े 48 में, देखते हैं क्या है। तो 48 में साथियों यहाँ देखिए अशोक के बारे में लिखा तो बड़ा है, ध्यान मत दीजिए इस पर, देखिए कितना आपको जानकारी स्पष्ट मिलती है। यहाँ पर अशोक के बारे में कुछ कथन दिया है और कह रहा है कौन सा सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है उसी को आपको बताना है। तो अशोक साथियों मौर्य वंश के तीसरे राजा, प्राचीन विश्व के महान राजाओं में से एक अशोक, जो 269 ईसा पूर्व के आसपास सिंहासन पर बैठा था। तो ये बात सही है। तो मैंने पहले बताया ना, वही गड़बड़ी करेगा जो आप जानते रहेंगे, तो इस बात को आप याद रखिएगा। तो ये बात सही है अशोक के संदर्भ में। ये क्या कह रहा है, अशोक के शासनकाल का क्षेत्र पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बांग्लादेश तक फैला था, ये भी सही है। उन्होंने प्रियादसी यानी जो अच्छा व्यवहार करता है और देवनामपी यानी देवताओं का जो प्रिय होता है, ये सबकी उपाधियां धारण करी, यानी देवनामपी और प्रियादसी इन सबकी वो उपाधि धारण किया था, जिन्हें लगभग सभी चट्टानों स्तंभ लेखों में देखा जा सकता है। यस साथियों, तीनों के तीनों सही है, यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं है। तो विकल्प नंबर डी हमारा उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गलत पूछा है तो हमें गलत कोई नहीं दिखाई दिया, तीनों सही है। 49 में देखते हैं, तो 49 में क्या करा है, एक शिला लेख में अशोक ने स्वयं वर्णन किया है, मतलब एक ऐसा शिला लेख है जिसमें अशोक ने वहां पर स्वयं वर्णन किया है क्या, कि 1,50,000 मारे गए, यानी 1,050 लाख लोग मारे गए, उससे कई गुना अधिक लोग नष्ट हो गए। तो ये किस शिलालेख में अशोक ने बनाया बताया है, अशोक ने उसका स्वयं वर्णन किया है। ये 13वें शिलालेख में जो कलिंग पर आक्रमण अशोक ने किया था, तो वहां पर 1 लाख यानी 1.5 लाख से लोग मारे गए थे, उससे कई गुना लोग घायल हुए थे। तो ये 13वें शिलालेख में अशोक ने कहा है, और यही सब देखकर अशोक का मन विचलित हुआ और उन्होंने धम्म की नीति दिया कि यानी अब हम राज्यों को जीतेंगे बिना युद्ध से, वो बिना युद्ध से जीतेंगे, वो धम्म नीति से जीतेंगे। तो वही अशोक ने दिया था।
ए हो जाएगा हमारा उत्तर 13वां शिलालेख। 50 में देखते हैं, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में से कौन सा कथन सही नहीं है। उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में साथियों पूछ रहा है, एक वैदिक काल है एक उत्तर वैदिक काल है, तो साथियों कौन सा गलत है इसको आपको बताना है। तो चले हम लोग पढ़ते हैं पहले। तो राजा के पास अस्थाई सेना थी यानी परमानेंट सेना थी, तो साथियों पहला ही गलत है। उत्तर काल, उत्तर वैदिक काल में राजा के पास अस्थाई सेना नहीं थी, या जनजातियों का एक यूनिट बना लेता था, जब उसे कोई काम होता था तो जनजातियों के एक यूनिट बनाकर तैयार कर लेता था और लड़ाई के लिए चल देता था, तो यही गलत है। तो मैंने गलत बता दिया, ये टेम्परेरी सेना रखते थे वो लोग, तो बाकी सब सही है, यही गलत पकड़ा गया। तो इसका मतलब ये तीनों सही ही होंगे, और तीनों को पढ़ लीजिए। चार वर्ण भेद में विभाजित था, भूमि अनुदान उत्तर वैदिक काल में अच्छी तरह से स्थापित नहीं थी, शुल्क के रूप में बलिदान और अनुष्ठान करना देवताओं की पूजा का तरीका बन गया था, ये भी सही है। हम लोग चलते हैं 51 पर, तो देखें इस 51 में क्या कह रहा है। बुद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में अनिच्चा, यहाँ क्या है अनिच्चा का तात्पर्य क्या है। तो अनिच्चा का तात्पर्य यहाँ मतलब ये होता है साथियों, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, हर एक चीज जो है आने वाले समय में नष्ट हो जाएगी, कोई भी चीज स्थिर नहीं है, तो इसका मतलब यही है। तो यहाँ पर देखें सभी वस्तुओं की अनित्या, अनित्यता, तो विकल्प नंबर सी है, अनित्यता मतलब वो परमानेंट नहीं है, कोई चीज हमेशा नहीं रहने वाली है, शाश्वत नहीं है, तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा हमारा, अनिच्चा का अर्थ यही है। 52 में क्या है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में बुद्ध चरित, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ बुद्ध चरित और सौंदरानंदन, सौंदरानंद किसके द्वारा लिखे गए हैं। तो साथियों अश्वघोष, विकल्प नंबर बी हो जाएगा, अश्वघोष ने लिखा है। तो आप एक इसका ट्रिक होता है छोटा सा, अश्व मतलब घोड़ा और घोड़ा चरता है, तो चरित यहाँ ये चरना हो गया, अश्व मतलब घोड़ा हो गया, तो घोड़ा चरता है घास चरता है, तो इससे आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर पता लगा लेंगे कि हाँ बुद्ध चरित जो है अश्वघोष ने लिखा है, तो दोनों को जोड़ दिया है, इसका मतलब ये भी अश्वघोष ने लिखा होगा। आगे देखते हैं हम लोग 53 में क्या है, तो 53 में साथियों ये देखिए हमसे क्या पूछ रहे हैं। प्राचीन भारत में मौर्यों ने एक विस्तृत आर्थिक प्रशासन के माध्यम से कई आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित किया था, यानी कुछ आर्थिक प्रशासन के माध्यम से मौर्यों ने आर्थिक गतिविधियों को कंट्रोल किया था, और उनमें से एकाधिकार कायम रहा, यानी किसका वो लोग एकाधिकार वो लोग कायम रख पाए थे, तो खनन का, शराब बिक्री का, हथियारों के निर्माण का, इन तीनों में मौर्यों का जो है एकाधिकार कायम रहा, तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा हमारा उत्तर, 1, 2, 3 53 का तीनों सही हो जाएगा, बहुत अच्छा। आगे चलते हम लोग अब देखते हैं क्या है हमारा, 53 का डी हो जाएगा यहाँ। 54 में देखते हैं, 54 में साथियों क्या हमसे पूछा जा रहा है, देखें मौर्योत्तर काल में, मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल आया जो, तो मौर्योत्तर काल में व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तो साथियों थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं, मौर्योत्तर काल में पूछ रहा है कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर था, जैसे ये हो गया ना, ये पश्चिमी तट हो गया वेस्ट, और ये पूर्वी तट भारत के, तो पूर्वी तट पर कौन है, ये भरूच और सोपारा आपको मालूम है ये पश्चिमी तट पर थे, महाराष्ट्र और गुजरात साइड में, तो ये हो गया ये पश्चिमी तट, यानी विकल्प में 1, 2 नहीं होने चाहिए, जब पूर्वी आपसे पूछ लिया है तो पूर्वी यहां होना चाहिए, तो आप पश्चिमी को पहले हटा दीजिए विकल्प से, 1, 2 नहीं होंगे, जहां 1, 2 होंगे उसे हटा दीजिए, तो सीधी बात ये भी वाला हट गया, तो विकल्प नंबर केवल बी बचा, 3, 4 यही जो है पूर्वी तट पर थे, बहुत अच्छा। आगे चले हम लोग 55 में देखते हैं क्या है, तो 55 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, बहुत अच्छे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की विशेषताएं हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता की लोगों की विशेषताएं क्या है साथियों, उस विशेषताओं को हमें बताना है, तो विशेषताओं को आप बताइए पहले पढ़कर। तो वे जुताई के लिए बैलों का उपयोग करते थे, यस करते थे, आप पढ़े होंगे सिंधु घाटी सभ्यता में हल उल मिला था ना, तो हल मिला था तो जरूर बैल को करते होंगे। तो वे मृतकों के साथ सिर्फ कीमती चीजें दफनाते थे साथियों, गलत, वे सस्ती जैसे मिट्टी के बर्तन हो गए, उनके जो कुछ पहनावे होते थे, यानी सिर्फ अगर न दिया होता तो सही हो जाता,
यानी वो कीमती चीजें दफनाते थे, उसके साथ साथ वो सस्ती और एकदम जो आम चीजें होती थी उसको भी दफना देते थे। ये जब खुदाई हुआ तो बहुत सारे वहां से चीजें मिली थी, तो ये गलत हो गया। सिर्फ न दिया होता तब सही रहता, तो ये गलत हो गया। उन्होंने लंबी दूरी के संचार की सुविधा के लिए सील और सीलिंग का प्रयोग किया था, ये भी सही है। यानी दो जहां है उसको आप हटा दीजिए तो आपको आधा से ज्यादा उत्तर की जानकारी मिल जाएगी। दो यहां पर है उसको हटा दीजिए, यहां पर है इसको हटा दीजिए, यानी एक और तीन आपका सही होगा। तो आप एलिमिनेट करना सीखिए, एलिमिनेट करेंगे तो आपको आसान हो जाएगी कम जानकारी में उत्तर निकालने की कला आपको विकसित हो जाएगा। तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित तो युग्मों पर विचार करना है, तो इन्हीं युग्मों पर आपको विचार करना है भारतीय इतिहास के संदर्भ में, और कितने सही जोड़े सुमेलित हैं। तो जो तीनों जोड़े में से जो सही हैं वही आपको बता देना है इसमें जो है। तो साथियों जो है कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। तो देखें आसंग, ये जो आसंग है साथियों, ये आसंग जो है ये जैन धर्म से संबंधित नहीं है। यहाँ पर ये आपको गड़बड़ दे दिया है, ये गुणभद्र एक जैन संत हैं। तो यहाँ पर ये जो पहले गुणभद्र लिखा है ये जैन संत हैं, सीधी बात। तो यहाँ जो दिया है बौद्ध दे दिया, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। आप सोचो ये जैन जो है विद्वान, ये गुणभद्र एक जैन विद्वान थे, तो इनका आसंग वाले दे दिया, तो इसका मतलब आसंग वाला भी गड़बड़ हो गया ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगे, एक तीर में दो निशाना, तो ये हो गया साथियों यहाँ पर। और जो ये संत नंदार थे, नंदनार, ये वैष्णव धर्म से संबंधित नहीं थे, ये एक अछूत, इनको मतलब एक अछूत माना जाता था, दलित माना जाता था। और ये जो है ये नयनार वंश से संबंधित थे ये, तो ये भी वैष्णव धर्म से संबंधित नहीं थे, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, यानी कोई भी सुमेलित नहीं है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा, यहाँ पर कोई भी चीज मतलब सुमेलित नहीं थी। आगे चले हम लोग, अब देखते हैं 57 में। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यह बताकर गुप्त युगों के प्रारंभिक वर्ष की पहचान करने में मदद की कि गुप्त युग शक युग की शुरुआत के 241 साल के बाद शुरू हुआ था? यानी किस ग्रंथ में यह बताया गया है कि गुप्त काल जो है प्रारंभिक वर्ष की पहचान करने में मदद की कि शक युग के 241 साल के बाद शुरू हुआ था? तो ये साथियों यह तहकीक ए हिंद में बताया गया था, विकल्प नंबर ये डी हो जाएगा, यह इसी में बताया गया है। आगे हम लोग देखते हैं 58 में। इसमें साथियों क्या करा है, निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। एक तरफ आपको पूरा स्थल दिया है पाषाण कालीन, पूरा पाषाण कालीन स्थल, और दूसरी तरफ नदी बेसिन, तो इन्हीं में से कौन सा सही सुमेलित है उसी को आप मिलाकर फिर विकल्प में बता दीजिए। तो साथियों कैसे बताएंगे, चले हम लोग देखते हैं। नेवासा, तो नेवासा साथियों ये गोदावरी नदी के तट पर है। ये पटने जो है, ये हम आपको बता दूं, पटने ये ताप्ती ताप्ती नदी से संबंधित है, ये ताप्ती नदी बेसिन पर स्थित है पूरा पाषाण स्थल, और ये नेवासा जो है ये गोदावरी स्थल से संबंधित है, गोदावरी जो है बेसिन घाटी से। तो ये दोनों तो गड़बड़ हो गए क्योंकि दोनों गलत थे, उल्टा दे दिया। अब बचा हमारा सी, यही बेलन घाटी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी, इस क्षेत्रों में ये है, बेलन घाटी क्षेत्र यहीं पर है, तो गंगा नदी के बेसिन में ये पड़ता है, तो ये तीसरा वाला सही है आपका, सी केवल सही होगा उत्तर, 58 का सी। आगे देखते हैं हम लोग 59 में। जैन धर्म में छवि पूजा का, यानी जैन धर्म में जो इमेज वर्शिप यानी छवि पूजा यानी चित्र की पूजा करना का पहला उल्लेख, छवि पूजा का पहला पूरा लेखी मतलब क्या कह रहा है, छवि पूजा का सबसे पहला पूरा लेखी संदर्भ में निम्नलिखित में से किस शिलालेख में पाया जाता है? तो साथियों यह किस शिलालेख में पाया जाता है, तो हाथी गुंफा शिलालेख, अभी विकल्प नंबर ये सी हो जाएगा हमारा। बहुत अच्छा, आगे चलते हम लोग 60 वाला देखते हैं। 60 में क्या कहा जा रहा है आपसे, देखें इसमें आपको क्या कह रहे हैं, महाजनपदों के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए, इन्हीं कथनों विचार करके सही उत्तर बताइए। तो पहला आप पढ़ेंगे, महाजनपदों ने कभी भी कुलीन तंत्र की व्यवस्था का पालन नहीं किया। तो कुलीन तंत्र, कुलीन मतलब एक मतलब प्रभावशाली तंत्र हो गया, जो
उच्च जातियों का एक मतलब शासन होता है, उसे कुलीन तंत्र कहा जाता है। तो यानी महाजनपदों में कभी भी कुलीन तंत्र का पालन नहीं किया गया। तो साथियों ये गलत है, कुलीन तंत्र का पालन किया गया था, क्योंकि वज्जी और मल्ल में यह गणतंत्र था और बाकी जितने 14 बचे थे उनमें राजतंत्र ही था। तो यहाँ पर जो है ये गलत हो गया। दूसरा क्या करें, महाजनपद केवल लोगों के द्वारा लाए गए जो सामायिक उपहारों पर निर्भर थे और नियमित कराधान की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो साथियों गलत हो गया ये भी, क्योंकि कह रहा है कि वहां मौर्य जो महाजनपद के लोगों के द्वारा केवल जो उपहार दिया जाता था उसी से उनका शासन चलता था, यहाँ पर कोई टैक्स व्यवस्था नहीं थी। तो ये गलत है, क्योंकि पुल बनते थे और तमाम किले बनते थे, तो ये सब बनाने के लिए कोई उपहार के बल पर थोड़ी ना बना सकता है, तो ये टैक्स लगता होगा भारी भरकम। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ डी हो जाए, क्योंकि सही पूछा है तो सही यहाँ कोई नहीं है, तो डी हो जाएगा, न तो एक नहीं दो। तो 61 में देखते हैं हम लोग क्या है। अशोक के धम्म सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक का जो धम्म सिद्धांत था, धम्म सिद्धांत इसलिए दिया, कभी मैंने बताया था ना जब 1.5 लाख लोग मरे थे, घायल हुए थे, तो उससे अशोक ने विचलित हुआ, तो युद्ध नीति को त्याग कर उन्हें धम्म नीति को मतलब अपना लिया। तो ये अशोक के धम्म सिद्धांतों को आपको बताना है। तो क्या है आपका पहला, जब पढ़ेंगे सही उत्तर हमें देना है। अशोक की धम्म विजय अर्थशास्त्र की धर्म विजय के समान थी। तो साथियों ये बात सही है, तो मतलब अर्थशास्त्र के नहीं साथियों, अर्थशास्त्र में ये उल्टा थी, ये अर्थशास्त्र के समान नहीं थी, ये तो गलत हो जाएगा, ये अर्थशास्त्र के समान नहीं थी। अशोक के काल में वाणी के माध्यम से धम्म के संदेशों का प्रचार नहीं किया गया। तो साथियों आप सोच कर देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाकर, केवल शिला लेख करेंगे तो पढ़े लिखे लोग समझ पाएंगे अशोक क्या कहना चाह रहा है। तो वाणी के द्वारा भी प्रचार किया गया, क्योंकि अनपढ़ लोग भी अशोक की बातों को समझ सकें, तो ये भी गलत हो गया। तो यानी एक और दो जहां होगा सब गलत हो गए, एक दो इसमें बैठा है तो ये भी गलत हो गया, और एक यहाँ बैठा ये भी गलत हो गया। अब तीसरा पढ़े, इसमें किसी विशेष संप्रदाय का प्रचार नहीं किया था, यानी धम्म जो था उसमें किसी विशेष संप्रदाय का प्रचार नहीं था, तो ये सही है, तो केवल सी हमारा उत्तर सही हो जाएगा 61 का। आगे देखें हम लोग 62 में, इसमें क्या कह रहा है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत बोधिसत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत बोधिसत्वों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है इन चारों में, उसी को आप पकड़िए। तो साथियों पहला यहां आपको कह रहा है मैत्रेय करुणा का बोधिसत्व है। तो साथियों मैत्रेय करुणा का बोधिसत्व है, तो ये चीजें जो है साथियों ये आपको गलत दे दिया है, क्योंकि बोधि ये जो बुद्ध बनने यानी बोधिसत्व तो क्या होता है, कोई व्यक्ति बुद्ध बनने के लिए, बुद्ध जैसा बनने के लिए बुद्ध के मार्गों का अनुसरण करता है तो उसे बोधिसत्व तो कहा जाता है। तो मैत्रेय जो है इनमें नहीं है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये चीज यहाँ पर ये गलत है। तो अब बाकी ये क्या है, यहाँ पर मंजूश्री बुद्ध की बुद्धि से जुड़ा हुआ है, यानी मंजूश्री जो है यह बुद्ध की बुद्धि से जुड़ा हुआ है, ये सही है। और सामंत भद्र अभ्यास और ध्यान से जुड़े हुए हैं, ये भी सही है। और वज्रपाणि ध्यानी बोधिसत्व से जुड़ा हुआ है, ये भी सही है। तो गलत यहाँ पर ए वाला केवल था साथियों, यहाँ पर ये जो मैत्रेय था यहाँ ये बुद्ध का अगला अवतार कहा जाता था, और इसके जो है ये मैत्रेय यहाँ पर नहीं होगा, ये जो है वज्रपाणि से जो होगा, तो यहाँ पर ये गलत हो गया ए वाला, तो यही हमारा उत्तर होगा 63 में। 63 में देखें साथियों लाजवाब प्रश्न है यहाँ पर। कनिष्क के संदर्भ में कौन सा, कनिष्क के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं और उन्हीं कथनों पर विचार करके हमें उत्तर निकालना होगा। तो आगे देखते हैं क्या है, सही उत्तर निकालना है हमें। तो उनका साम्राज्य मध्य एशिया से उत्तर भारत तक फैला हुआ था, और इसमें उत्तर प्रदेश का वाराणसी, कौशाम्बी और श्रावस्ती शामिल थे। अब सोचिए, सोचो साथियों, हमें ये मालूम न हो, मालूम तो है, हाँ ये सही है, और अगर नहीं मालूम है तो फिर छोड़ना मत, आगे पढ़ना। उन्होंने पुरुषर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन बुलाया। साथियों कितनी गलत बात कही है, हल्का से गलती की है, इससे पूरा उलट गया। कह रहा है कनिष्क ने ही चौथी बौद्ध संगीति बुलाई थी, वो कश्मीर के जो है वो कुंडलवन में,
जबकि पुरुषोवर में नहीं कुंडलवन में बुलाई थी, तो ये चीज गलत हो गया। दूसरा तो दो जहां होगा वो गलत हो गया। अब जो हमारा बचा है, बौद्ध विद्वान अश्वघोष के दरबार में रहते थे, तो ये बात सही है। तो 1 और 3 हमारा सही है, 63 में सी हो जाएगा। तो यही देखो छोटी सी गलती दिया था, इसी ऐसी गलतियों को आप पकड़ना सीखिए। तो 64 में क्या कहा जा रहा है, हड़प्पा वासियों की धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, उन्हीं कथनों को पढ़कर सही उत्तर दे दीजिए। तो हड़प्पा वासियों में पशु पूजा लोकप्रिय थी, यस साथियों, बहुत पशुपति या फिर अन्य जैसे बहुत सारे जो है मूर्तियां मिली थी, तो इससे ये साबित होता था पशुओं की पूजा लोकप्रिय थी, ये तो सही बात है। अब साथियों ये क्या कह रहे हैं दूसरे वाले में, हड़प्पा वासी पुरुष देवता में विश्वास नहीं करते थे, तो करते थे साथियों, ये बात गलत है, क्योंकि वो पुरुष देवता जो योगी के रूप में बैठे हुए हैं, तो उनके एक मूर्ति मिली थी, इसी से हमें ये पता चलता है कि हाँ मिली थी, वो पुरुष देवता को विश्वास करते थे। ये भी एक दो, जहां दो होगा वो उसको काट दीजिए। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में अग्नि कुंडों का कोई साक्ष्य नहीं है, तो साथियों ये बात सही है, अग्नि कुंडों का कोई साक्ष्य नहीं, अग्नि कुंड का जहां बलि दी जाती है उसे अग्नि कुंड कहा जाता है। तो 1 और 3 सही है, 2 गलत है, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। 64 में हमें क्या पूछा जा रहा है, हड़प्पा सभ्यता के शहरों, उस हड़प्पा सभ्यता के शहरों के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, कथनों को पढ़कर सही उत्तर दे दीजिए। सही उत्तर, तो कैसे सही उत्तर देंगे आप, तो चलिए पढ़ते हैं। कालीबंगा और लोथन में अग्नि वेदियां थी, तो यस अग्नि वेदियां कालीबंगा और लोथल में थी, तो ये बात साथियों सत्य है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल जैसे कुछ शहरों का विस्तृत भंडार गृह थे, यस साथियों भंडार गृह थे, मोहनजोदड़ो हड़प्पा लोथल तो इन सब भंडार गृह पाए गए हैं। तो 2, विकल्प नंबर सी हो जाएगा हमारा, 65 का सी। आगे हम लोग देखते हैं, अब उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, उन्हीं कथनों को पढ़कर सही उत्तर दीजिए। आपको मालूम है उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद जैसे ग्रंथों की रचना हुई थी, तो ये पहला आपका बात सही हो जाएगा, इसको याद कर लीजिए, कई सारे एग्जाम में यही से फैक्ट के रूप में पूछता है। दूसरा क्या कह रहा है, जो लोग वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते थे उन्हें कुछ राजा पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे, यानी जो लोग वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे तो उन्हें कुछ लोग राजा पुरोहित से भी ज्यादा श्रेष्ठ मानते थे, तो ये भी बात सही है। तो दूसरा में ये सी हो जाएगा हमारा, 66 का सी हो गया उत्तर। आगे देखते हैं हम लोग 67, ऋग्वेद, ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में, ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में साथियों, ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, कौन सा सही नहीं है। तो पहला आप देखेंगे, युद्धों के लिए कोई नियमित सेना नहीं थी, तो युद्धों के लिए कोई नियमित सेना नहीं थी साथियों, तो ये बात सही है, युद्धों के लिए उस समय ऋग्वैदिक काल में जो है कोई सेना नहीं थी, तो ये बात सही है। लेकिन हमको गलत को पकड़ना है, जमीन के लिए भी लड़ाइयां लड़ी गई साथियों, गाय के लिए लड़ी भी गई, जमीन के लिए भी लड़ी गई, यहाँ लेके लिखा है ना मवेशियों को पकड़ने के लिए भी लड़ी जाती थी, तो ये भी सही है, डी वाला भी सही है, बी वाला भी सही है, और यहाँ पर केवल यानी ये तीनों जब सही है तो गलत केवल ये सी होगा, तो सी ही हमारा उत्तर होगा। तो कह रहा क्यों गलत है, क्योंकि युद्धों से जो धन प्राप्त होता था वो राजा और पुजारियों में बांटा जाता था, तो यहाँ कह रहा है युद्धों से प्राप्त संपूर्ण धन को पुजारियों में बांट दिया जाता था, ये संपूर्ण अगर नहीं लिखा होता तब तो सही हो जाता, इस संपूर्ण की वजह से गलत हो गया, क्योंकि जो संपूर्ण दे दिया इससे ये लगता है कि सारा धन पुजारियों के पास रहता था, नहीं वो राजाओं के भी बीच बांटा जाता था, तो यही इस गलत है। आगे देखते हैं हम लोग 68 में, कौन सा कथन सही नहीं है, तो चंद्रगुप्त को यूनानियों ने अमित्र घात के नाम से जाना जाता था, तो साथियों ये बात गलत है, चंद्रगुप्त को यूनानियों ने अमित्र घात नहीं कहा था, तो यूनानियों को चंद्रगुप्त को यूनानियों ने शत्रुओं का नाश करने वाला अमितोचेटस कहते थे, अमित्रोचेटस, ये मैं यहां लिख दे रहा हूं थोड़ा सा, अमित्रोचेटस कहा जाता था, तो ये वाला गलत हो गया आपका। और ये अमित्र घात किसको कहा जाता था साथियों, अमित्र घात जो है बिंदुसार को यूनानी कहते थे,
अमित्रघात का मतलब शत्रुओं का विनाशक, तो उसे जो है ये बिंदुसार को कहा जाता था। यहां मैं लिख दे रहा हूँ बिंदुसार को, अमित्र घात का मतलब बिंदुओं का विनाशक, मतलब शत्रुओं का। तो ये हो गया गलत। चंद्रगुप्त की मृत्यु दक्षिण भारत में धीमी भूख से हुई थी। तो मैंने पहले बता दिया ना कौन सा पूछा है, कौन सा सही नहीं है, तो ए वाला सही नहीं है, 68 का ए हो जाएगा हमारा उत्तर, क्योंकि यही गलत है, गलत पूछा है ना, तो यही गलत है, और बाकी सब सही है तीनों। इसको देख लीजिएगा, कौटिल्य जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय, वो चंद्रगुप्त मौर्य के मतलब गुरु थे, और चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बिंदुसार हुआ, ये भी सही है, सब सही है, ए वाला ही गड़बड़ था केवल, तो ए ही हमारा उत्तर हो जाएगा। 59 में देखे, 69 में क्या कह रहे हैं, कौन सा राजवंश राजस्व के सभी स्रोतों को ब्राह्मणों को हस्तांतरित यानी ट्रांसफर कर देने वाला पहला राजवंश था, यानी ऐसा कौन सा राजवंश था, तो राजस्व से जो इनकम होती थी, इनकम के स्रोत होते थे, वो सारे स्रोत ब्राह्मणों को ट्रांसफर कर दिया, तो ऐसा कौन सा साथियों, वाकाटक, विकल्प नंबर जो है सी हो जाएगा हमारा, 69 का वाकाटक शासक जो है यही करते थे। तो आगे चले हम लोग, अब देखते हैं 70 में क्या है। तो 70 वाले में हमसे कह रहे हैं कि पश्चिमी भारत में चालुक्यों के बाद किस राजवंश का उदय हुआ, तो पश्चिमी भारत में याद रखें चालुक्यों के बाद किस राजवंश का जो है वह उदय हुआ था, तो साथियों राष्ट्रकूट का हुआ था, विकल्प नंबर बी, क्योंकि आपको मालूम है अंतिम चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन थे, अंतिम चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन थे, तो कीर्तिवर्मन को राष्ट्रकूट के राजा दंतिदुर्ग ने, मतलब एक राष्ट्रकूट के राजा दंतिदुर्ग, मैं यहां लिख दे रहा हूं, दंतिदुर्ग ने इनको हरा दिया था, हराकर जो है ये राष्ट्रकूट वंश की जो है नींव रखी थी, तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा हमारा, यही सही है। 71 का कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है साथियों कैसे पकड़ेंगे, चलिए पढ़ लीजिए फटाफट, पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अभी मैंने ये बताया यहाँ पर, ये दंती दुर्ग राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक थे, मैंने अभी जस्ट इसके पहले बताया, जिन्होंने अपनी राजधानी आधुनिक शोलापुर के पास मान्यता खेर में स्थापित किया था, तो यस ये बात सही है। गोविंद द्वितीय ने प्रभुता वर्ष और विक्रमावलोक की उपाधि धारण की, ये भी सही है। कृष्ण द्वितीय के पास अकाल वर्ष और शुभतुंगा की उपाधियां थी, ये भी सही है। तो ये तीनों जब सही है तो गलत यही डी वाला होगा, डी ही हमारा उत्तर होगा, क्यों गलत है, कृष्ण द्वितीय ने चोल राजा पारंतक को हराया था, तो कृष्ण द्वितीय ने नहीं हराया था साथियों, कृष्ण तृतीय यानी कृष्ण थर्ड, जो कृष्ण तृतीय थे वो चोल राजा पारंतक प्रथम को हराए थे। तो यहां पर अब 72 में क्या कह रहा है साथियों आपसे, 72 में कह रहा है इष्ट वीरवादीन महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो साथियों ये बात तो सही है, ये बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। तो 72 का हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, क्या कह रहा है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में कुछ कथन दिया है, इन कथनों विचार करके हमें सही उत्तर देना है। तो क्या कह रहा है साथियों, इष्ट वीरवादिन महायान, इष्ट वीरवादिन महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो साथियों ये बात गलत है, यह बौद्ध धर्म में, ये बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, तो ये बौद्ध धर्म के जो है, बौद्ध धर्म से संबंधित है लेकिन ये थेरवाद से संबंधित है, महायान से संबंधित नहीं है, तो यहाँ जो महायान लिखा है ये महायान नहीं, यह थेरवाद से संबंधित है, जो बौद्ध धर्म की एक अलग विचारधारा थी, तो ये गलत हो गया। अब सही पूछा है तो इसमें एक बैठा है इसको काटिए, डी में बैठा है तो इसको काटिए, फिर जो है आपका उत्तर आसान हो जाएगा। महासंघिकों के द्वारा बुद्ध को देवता मानने के महायान बौद्ध धर्म को बढ़ावा मिला, तो यस ये वाला सही है, तीन वाला, तो यानी आपका जो है ये दो वाला भी देख ले, लोकोक्त वादीन संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी, तो साथियों यहाँ पर दूसरा और तीसरा हमारा सही है, विकल्प नंबर दो सही है हमारा, तो 72 हो गया। अब हम लोग देखते हैं 73 में क्या कह रहे हैं,
बोधिसत्व की अवधारणा यानी बोधिसत्व का जो कंसेप्ट है बौद्ध धर्म में हीनयान संप्रदाय का केंद्र है। तो बोधिसत्व की जो अवधारणा बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का केंद्र है। तो साथियों ये जो है गलत है हमारा ये वाले में, तो ये क्यों गलत है साथियों, ये महायान से संबंधित है, ये हीनयान से संबंधित नहीं है। यहाँ महायान होना चाहिए था तब सही होते, यानी बोधिसत्व की अवधारणा बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का केंद्र है। तो ये गलत हो गया आपका, यानी अब एक जिसमें होगा वो गलत हो जाए, क्योंकि हमसे सही पूछा है कि इसको काटना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा। अब हमें क्लियर होगा कि इन्हीं दोनों में से कोई उत्तर होगा। अब देखते हैं, बोधिसत्व तो आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होने का एक दयालु व्यक्ति है। तो मैंने पहले बताया बोधिसत्व का मतलब ये बुद्ध के मार्ग पर चलना, बुद्ध जैसा बनना, ये बोधिसत्व होता है। तो ये दो वाला तो सही है, तीन वाला क्या करा है, बोधिसत्व सभी संवेदनशील प्राणियों को उनके मार्ग पर मदद करने के लिए, अपने स्वयं के मोक्ष प्राप्त करने के लिए देरी करता है। तो ये भी बात सही है, तो विकल्प नंबर ये बी हो जाएगा, 73 का ये बी हो गया। बहुत अच्छा, 74 देखते हैं, ये इसमें क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के निर्वाण की अवधारणा का सबसे अच्छा, निर्वाण का मतलब ये होता है साथियों ज्वाला का बुझ जाना, तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा यहाँ, ये कामना की ज्वाला का बुझ जाना विकल्प नंबर ए। तो ज्वाला की बुझ जाना इतना याद रखे रहेंगे तो तभी पकड़ लेंगे, तो विकल्प नंबर ए हो गया 74 का। और 75 में हम लोग देखते हैं क्या है, बुद्ध का देवीकरण यानी कुछ कथन दिया गया है, तीनों कथनों को पढ़कर वो महायान बौद्ध यानी बौद्ध धर्म का जो हीनयान और महायान दो संप्रदाय चल रहे थे दो भाग में, तो महायान से संबंधित है। कौन सा महायान धर्म की विशेषता है, तो महायान आप लोग मालूम है साथियों बुद्ध को देवता मानते थे और हीन वाले वाले उनको एक व्यक्ति मानते थे। तो बुद्ध का देवीकरण ये तो सही है, बोधिसत्व मार्ग पर चलना ये भी सही है, छवि का पूजा यानी उनको मूर्ति पूजा छवि पूजा बनाकर उनका मूर्ति का पूजा करना, ये तीनों सही हैं, तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा, ये तीनों महायान बौद्ध धर्म की विशेषता है। 76 देखते हैं, तो इसमें क्या कह रहा है साथियों, प्रारंभिक मध्य पाषाण काल भारत में बौद्ध धर्म का पतन के क्या कारण थे। तो प्रारंभिक मध्य काल में बौद्ध धर्म का जो पतन हुआ इसके क्या कारण है ये आपसे पूछ रहे हैं। तो उस समय देखिए क्या कह रहे हैं, उसको पतन का कारण पूछ रहा है, तो थोड़ा सा हम इसको ऊपर करते हैं, ऊपर अच्छा नहीं हो रहा, तो चलते हैं क्या है बौद्ध धर्म का पतन के क्या कारण थे। तो साथियों ये देखिए क्या है, उस समय बुद्ध के विष्णु के अवतारों में से एक माना जाने लगा, यानी बुद्ध को विष्णु का अवतार माने जाने लगा, इस तरह से वैष्णववाद का हिस्सा बन गए। तो ये भी बात सही है, वैष्णववाद का हिस्सा बन गए तो स्वाभाविक सी बात है इनके अनुयायियों की संख्या घट जाएगी, तो ये सही है। दो में क्या है, अंतिम गुप्त राजा के समय तक मध्य एशिया की आक्रमणकारी जनजातियां हिंदू धर्म अपनाया, बौद्धों पर अत्याचार किया गया। यस सर, बौद्धों पर अत्याचार बहुत हुआ, जो बहुत सारे राजा ऐसे हुए, बहुत सारे ऐसे निरंकुश हुए जो बौद्धों पर बहुत नरसंहार किया, तो ये भी सही है। तीन में क्या करा, गुप्त वंश के राजा बौद्ध धर्म की घोर विरोधी थे। यस, इसमें भी कोई दायरा नहीं, गुप्त वंश के लोग बौद्ध धर्म का विरोधी थे, आप लोग को मालूम होगा ना, जो मतलब बौद्ध धर्म को आप पढ़े होंगे अगर गुप्त वंश, उसमें आपको ये बात मेंशन होगा। तो तीनों सही है यहाँ पर, तीन के तीनों सत्य हैं, हमारा डी उत्तर हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर हमने आधा से 150 प्रश्न था मैंने बताया, तो यहाँ पर अभी मैंने जो प्राचीन इतिहास एंशियंट है उसको देख लिया हूँ, अभी इसके बाद आधा देख लिए साथियों, वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसके लिए हम लोग इसको पार्ट वन में ही छोड़ रहे हैं। अब इसके लिए हम पार्ट टू बनाएंगे इसी कंटेंट का, इसी सीरीज का। पार्ट टू में हम लोग मध्यकालीन इतिहास के प्रश्न आने लगे हैं ना, तो अब हम लोग मेडिवल हिस्ट्री से संबंधित जो है देखेंगे, तो ये पार्ट टू में मेडिवल हिस्ट्री और कल्चर से संबंधित सवाल होंगे। इसके बाद जो हम सीरीज लाएंगे उसमें मॉडर्न इंडिया से संबंधित आएगा, मॉडर्न इंडिया से संबंधित वो हमारी सीरीज होगी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप एक एक चीजों से परिचित हो जाएंगे, एक एक टॉपिक से कनेक्ट हो जाएंगे, आप उन सभी चीजों को समझ जाएंगे, कहाँ प्रश्न बनते कहाँ से हैं, प्रश्न पूछे कहाँ से जाते हैं, ये सभी चीजों से आप भली भांति परिचित हो जाएंगे, तो आप ये सीख जाएंगे कि हमें पढ़ना क्या है और हमें छोड़ना क्या है। क्योंकि आप सभी पढ़ने लेंगे तो सिलेक्शन के बहुत दूर हो जाएंगे,
तो आप ये जब सीख जाएंगे कि हमें छोड़ना क्या है, तो आप सफलता के बहुत नजदीक चले जाएंगे। तो यही है साथियों, चलते हम लोग मिलते हैं पार्ट टू में साथियों, इसको आप वीडियो को शेयर करिएगा। चलते हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।